సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ పద్మావతి సో అర్ధరాత్రి ఇద్దరు దుండగులు అయితే ఇంట్లో దొంగతనానికి వచ్చారన్న సంగతి తెలిసిందే సో మనమైతే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్కి వచ్చాం సో ఇద్దరు లేడీస్ అనేది ధైర్యం చేసి తల్లి కూతురులే వాళ్ళ దుండగులనైతే తరిమి కొట్టిన సంఘటన అయితే జరిగింది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బేగంపేటలో సో ఆవిడ అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఎలా వచ్చారు ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది అనేది మొత్తం కూడా మేడంతోనే మాట్లాడదాం సో నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ అసలు ఏం జరిగింది నైట్ सर मैं अमिता मेहनो हूँ hmm. पाइगा कॉलोनी से हूँ मैं बेगम पेट hmm. तो आफ्टरनून का टाइम था वन थर्टी हो रहा था hmm. तो hmm. hmm. तो जवाब दी फर्स्ट फ्लोर से आप रख के चले जाओ तो hmm. बोले नहीं मैम आपका साइन चाहिए एंड hmm. मेरे हस्बैंड का नाम भी बोलिए कुरियर के ऊपर hmm. तो मैं नीचे आई एंड वो दोनों जब तक हॉल में आ चुके थे हस्बैंड का नाम बोला बोल के मैं नीचे आई फिर नहीं तो मैं वहीं से हटा देती थी, थी उन लोगों को वो मेरे हस्बैंड का नाम बोले एंड बोले साइन चाहिए कुरियर पे यूजुअली हम लोग करते हैं कभी कोई कुरियर्स पे साइन रिसीव्ड बोल के ओके। तो मैं नीचे आई फिर नीचे आने तक वो लोग हॉल में आ चुके थे दोनों ही एक मास्क में था एक मास्क और हेलमेट में था बाइक का हेलमेट बड़ा ब्लैक तो दोनों वहीं हॉल में खड़े थे एंड मेरी एक मेड थी जो किचन में थी किचन में जाने के बाद फिर ये बोला मैडम कुरियर ले लो तो मैं आके उसके सामने खड़ी हुई हॉल में तो मैंने बोला आप अंदर क्यों आए बाहर खड़े रहना था तो बोले ठीक है मैम ले लो आप आके तो मैं गई तो वो बैक पैक से कुरियर नहीं निकाल के तमंचा वो निकाला देसी गन जो होता है इंडियन गन वो निकाल के मुझे तुरंत अटैक किया उसी गन से एंड मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कुछ समझ में नहीं आया तो उसी को मैंने पकड़ लिया फिर मुझे हिट नहीं करने दिया मैं हिट नहीं करनी आते तो मैंने उसको पकड़ लिया एंड एक राइट right हैंड से मैंने उसको पुश किया फेस से पीछे तो जब मैं पुश किया तो मेरे साउंड से इतना जो हो रहा था तो वो मेड जो थी वो बोली कॉरियर लेने आए अम्मा ऐसे कैसे चिल्ला रहा था ज़ोर जोर okay. से मैं जब से चिल्लाने लगी स्टार्टिंग से जब वो रिवॉल्वर निकाला अंदर से तो वो किचन से बाहर देखने आई हॉल में तो ये लड़का फिर उसको देख के उसको किचन के अंदर ही लेके गया बाहर नहीं आने दिया उसको उसका हैंड फोल्ड करके उसको चाकू लगा के वहीं खड़ा रखा और बोला खामोश रहना बोलना मत तुम एंड पूछा कितने जने हैं तो मैं बोली वो बोला वो लेडी मेड बोली कि मैं और मैडम ही है और कोई नहीं है घर में तो हम दोनों का इधर हॉल में फाइट चल रहा था तो मैंने उसको बाहर की तरफ पुश किया कम्पाउंड में बाहर की तरफ पुश किया तो मेरे साउंड से मेरी बेटी जो फर्स्ट फ्लोर पे थी वो भी नीचे आ गई वो भी आके इसको अटैक करी फिर अटैक करने करने पे उसका हेलमेट उसका मास्क सब निकल गया तो हमने आइडेंटिफाई किया कि डीप क्लीनिंग के लिए आया था टू टू बालाजी तो तो ओम शक्ति हाँ, हाँ दिवाली के लिए हम लोग बाहर से लोग बुलाते हैं ये पूरा स्टोन वोन क्लीन करना पड़ता है वॉश करना पड़ता है तो वो आया था बाहर से जो बालाजी ओम शक्ति हाउस डीप क्लीनिंग सोमाजी गुड़ा में है रंजीत है उनके मैनेजर वो लेके आए थे में आके गया था मेरे पास इधर टू टू थ्री डेज उसने वर्क किया था यहाँ पे क्लीनिंग का उसके बाद उसको हम लोग फाइट करके अटैक किए फिर वो भाग गया बाहर भाग गया तो उसका वो तमांचा मेरे पास ही था एंड वो जब भागा तो मैं गेट के ऊपर ही थी एंड मैं वहां से सबको बोल रही थी कि, कि अंदर एक और आदमी जो मुझे मालूम था किसी को मालूम नहीं था क्योंकि मैंने उन दो कोरियर वालों को देखा था बच्ची को भी नहीं मालूम था कि अंदर कहाँ है वो ये सोची कहीं तो घर के अंदर होगा तो ये सीधा किचन में भाग गई किचन में भागी तो उसको वहीं मिल गया वो आदमी मेड के पास तो ये डर गई उसको देख के एक बार के लिए डर गई तो वो भी इसको डराया कि मैं कट कर दूंगा चिल्लाना मत किसी को बाहर बोलना मत मैं इधर हूँ किचन में बोल के ऐसे बोल के ये चुपचाप निकल गई वहां से एंड वो फिर भाग के बाहर निकला सारे लोग आए थे अंदर सारों को चाकू दिखा के भाग गया भाग गया तो बाहर ही मैं उसके पीछे ही भागी उसके पीछे भागी तो बाहर स्कूटर पे हमारे नेबर्स ही थे सारे खड़े थे तो मैंने बोला प्लीज उसको फॉलो करो और पकड़ो इसको छोड़ो मत फर्स्ट वाला तो भाग गया था वाले को तो पकड़ो तो सारे उसके पीछे भागे और उसको पकड़ के जब तक बच्ची ने हंड्रेड पे डायल किया पुलिस उसको लेके मेरे पास so, अच्छा हसबेंड तो, नहीं थे टाउन में नहीं थे एक एंड ये डॉटर थी तो so, मैं आ टाइम में असली एवर लेन टाइम में नचने पे मेरे को भय में लेता था तेला? नहीं हुआ भय में mm. I was full in full anger only mm. गुस्सा में था पर मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल mm. भी सो so, अंटे मेरे छे से सात समय तक ग्रेड है ना जब पल असली असली अलग चेयर है ना कल दही रहने का नहीं जानते मेरे में ना सेल्फ डिफेंस इतना डी में ना ये पढ़ना या या I learned cardio I am into cardio and I learned cardio kiko kiko boxing from Zari sir from seven to eight years

हाँ, अभी पता चला कि वो प्रेमचंद है लेके गई वहाँ टू थ्री आवर्स तक उसने एडमिट नहीं किया नहीं। फिर पुलिस ने उसके पॉकेट्स में नवोदय लॉज का चाबी निकाला तो सब आइडेंटिफाई हो गया कि सब मिले हुए थे दोनों के पास बैक पैक्स थे दोनों अपने अपने वेपन्स रखे थे अलग अलग उसके पास भी चाकू था इसके पास भी चाकू था रोप्स थे टाई करने के लिए हम लोग को चेयर पे नहीं।, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ भी नहीं हमारा फाइट ही हुआ हॉल में बस हॉल से अंदर एक कदम भी नहीं गया वो नहीं। बस वो फाइटिंग ही हुआ बस कुछ भी नहीं हुआ और कुछ को भी थोड़ा चोट बच्ची को लगा था हाथ यहाँ हाथ पे यहाँ पे यहाँ पे सब अभी तो ठील हो गए थोड़े क्रीम लगाया था रात में ऐसे स्क्रैचेस हुए बस वही यहाँ फाइटिंग फाइटिंग हुआ था ना हाँ स्क्रैचेस लग थे సో అదండి జరిగిందైతే సో విన్నారు కదా వాళ్ళే చెప్తుండగా సో ప్రతి ఒక్కరు ఇలా ధైర్యంగా ఉంటే ఇలాంటి మళ్ళీ ఇంకెక్కడ జరగకుండా రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి సో ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చే ముందు వాళ్ళని తీసుకొచ్చే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఎందుకంటే వర్క్ చేసే వాళ్ళ మీద కూడా ఒకసారి నిఘా పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే వర్క్ చేయడానికి వచ్చి మన మీద ఇల్లు పరిశోధించి సో ఇట్లా కూడా చేస్తున్నారు సో అదే మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా మనకి వీలే సో వీళ్ళ ఇంటికి వర్క్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళే వీళ్ళు ఇలా మళ్ళీ చేశారని అన్నారు సో ఎవరైనా సరే ఇంటికి వచ్చే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోండి అండ్ ప్రతి ఒక్క జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అది ఎవరైనా కానీ సో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి సో నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఫర్దర్గా ఉపయోగపడుతుంటాయి